आज का ये वीडियो हमारा एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो है इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक से. द टॉपिक वी आर कवरिंग टुडे इज राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल टू रिक्वेस्ट हिम और हर टू इम्प्रूव फैसिलिटीज इन द स्कूल लाइब्रेरी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द प्रिंसिपल. यहाँ पे स्कूल का नेम लिखेंगे, मॉडल टाउन दिल्ली. देन सब्जेक्ट लिखेंगे और एक लाइन यहाँ पे बीच में छोड़ देंगे, इम्प्रूव फैसिलिटीज इन स्कूल लाइब्रेरी. एक तो आपका जो सब्जेक्ट है वो छोटा होना चाहिए, एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है. अब एक लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे, नीचे लिखेंगे सैल्यूटेशन करते हुए, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम. आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट दैट द library facilities on our school be improved and updated. As a student, I have noticed that the library is often crowded and there are not enough seats or study space for everyone. And sitting area at the library is not having a proper lighting facility which makes it difficult for the students to read. I also noticed that in library limited books are available
द लाइब्रेरी इज एन एसेंशियल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स बट द करंट स्टेट ऑफ द लाइब्रेरी फैसिलिटीज मेक्स इट difficult for us to full utilize. So I request you to look into the matter and take the necessary steps, the necessary steps to make the library useful for us. नीचे लिखेंगे thanking you या thank you, जो भी आप लिखना चाहते हैं. Now yours obediently या फिर sincerely, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर yours, OBEDIENTLY. नाउ यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और डेट लिखेंगे. इस लेटर के थ्रू हम प्रिंसिपल को बता रहे हैं, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट दैट द लाइब्रेरी फैसिलिटीज ऑन अवर स्कूल बी इम्प्रूव्ड एंड अपडेटेड. हमारी जो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है वे इम्प्रूव्ड है और अपडेटेड भी है, बट एज अ स्टूडेंट हमने ये नोटिस करा है कि ज़्यादातर जो लाइब्रेरी है वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है, भीड़ रहती है. देर आर नॉट इनफ सीट्स, और यहाँ पर सीट्स भी नहीं होती है बच्चों के लिए. स्टडी स्पेस फॉर एवरी वन एंड सिटिंग एरिया एट द लाइब्रेरी इज नॉट हैविंग ए प्रॉपर लाइटनिंग. और सिटिंग फैसिलिटी तो यहाँ पर अच्छी है ही नहीं, और साथ में लाइटनिंग जो फैसिलिटी है यहाँ पर वो भी अच्छी नहीं है. मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू रीड, इसके कारण क्या होता है, स्टूडेंट्स को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है. आई ऑल्सो नोटिस दैट द लाइब्रेरी लिमिटेड बुक्स आर अवेलेबल. मैंने ये भी नोटिस करा है कि लाइब्रेरी में लिमिटेड बुक्स हैं, कुछ ही बुक्स हैं. द लाइब्रेरी इज एन एसेंशियल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स बट करंट स्टेट द लाइब्रेरी फैसिलिटीज मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फुली यूटिलाइज. वैसे तो लाइब्रेरी जो है स्टूडेंट्स के लिए एक ज़रूरी रिसोर्स है, बट स्टूडेंट्स ऑफ द करंट, जो अभी की करंट सिचुएशन है वो ये बात बता रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस मैटर को देखेंगे और जो भी ज़रूरी स्टेप्स होंगे लाइब्रेरी को यूज़फुल बनाने में उसे लेंगे. नेक्स्ट यहाँ पे थैंक यू और योर्स ऑबिडेंटली, नेम क्लास डेट यहाँ पे आ जाएगा.